तो आज क्या क्लास होने वाला है, सार्क का, है ना। तो सार्क क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सार्क जानने के पहले हम लोग को पहले महाद्वीप जानना होगा। क्या जानना होगा? महाद्वीप। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, सात है। क्योंकि पृथ्वी पर टोटल कितना परसेंट जल है, 71% जल है, और मात्र 29% क्या है, अस्थल। और यह स्थलीय भाग को कितना भागों बांटा गया है, सात भागों में बांटा गया है। तो इन्हीं में कौन कौन है ये हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है ये हमारा है सबसे पूरा पृथ्वी है ना। तो पृथ्वी है ये कौन है हमारा, तो ये है हमारा एशिया महाद्वीप। कौन है? एशिया महाद्वीप। कौन है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। दूसरा है आपका यहीं पर है अफ्रीका महाद्वीप। कौन है? अफ्रीका। और तीसरा यहीं पर है उत्तरी अमेरिका, और ये क्या है आपका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद यहीं पर आपका है अंटार्कटिका। कौन है? अंटार्कटिका। और यहीं पर आपका है यूरोप। कौन है? यूरोप। और यहीं पर आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सात, और बाकी जितना खाली है सब क्या है, पानी है, कोई दिक्कत। तो सात, तो पहला नंबर में सबसे बड़ा कौन है, एक नंबर में एशिया, दो नंबर में अफ्रीका, तीन नंबर में उत्तरी अमेरिका, चार नंबर में दक्षिणी अमेरिका, पांच नंबर में अंटार्कटिका, छह नंबर में यूरोप, और सात नंबर में। यहाँ क्वेश्चन आपका नहीं बन गया क्या? सबसे बड़ा एक महाद्वीप है वो कौन है, एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, कोई दिक्कत। और यही एशिया महाद्वीप में ही हमारा कौन है, यहीं पर भारत। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया। याद रखना, कोई भी नक्शा हम लोग खोलेंगे, कोई भी नक्शा, तो याद रखना सबसे ऊपर वाला जो होगा कौन सा दिशा होगा, उत्तर होगा, क्या होगा, और दक्षिण। नीचे वाला क्या होगा, दक्षिण। और फिर दाहिना हाथ ये क्या होगा, पूरा। और बायां हाथ क्या होगा, पश्चिम। याद रहेगा कोई भी नक्शा। तो हम लोग एशिया पहले देखेंगे ना। हमारा भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर कौन है, अंटार्कटिका, कौन है, यूरोप, कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका क्या है, महाद्वीप। अब इसी में हम लोग देखेंगे एशिया को भी हम चार पांच हिस्सों में बांटेंगे, है ना। तो यहीं पर हम लोग देखेंगे दक्षिण एशिया के देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो किसके बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण एशिया के देशों के बारे में पढ़ेंगे। यही सब मिलकर बनाता है ग्रुप, इसका नाम है सार्क, है ना। और हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। क्या बोलते हैं, दक्षेस। तो इसको पहले क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखें कि अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कि महाद्वीप की संख्या कितना है, सात, और उसमें से एशिया महाद्वीप हमारा है, और एशिया में ही हम लोग स्थित है। हमारा भारत कहाँ स्थित है, एशिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये हमारा मान्यता है एशिया महाद्वीप। कौन है, एशिया। एशिया एशिया महाद्वीप है ये। अब एशिया में हम लोग देखिए कोई भी नक्शा, एशिया का सिर्फ नक्शा हम खोल रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर आपका ये वाला एरिया क्या है, आपका दक्षिण, और ये वाला एरिया क्या है, तो यहाँ पर जो जो देश है वो उत्तरी देश हो, उत्तरी एशिया होगा, नीचे वाला दक्षिणी एशिया, और ये वाला पूर्वी एशिया, और ये वाला पश्चिमी एशिया। लेकिन यहाँ पर जो रहेगा वो तो दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया होगा ना। तो याद रखना है सिर्फ हमको अभी दक्षिण एशिया पढ़ना, कौन सा एशिया, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया के कुछ देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है सार्क। क्या है, सार्क। अब आपका मेन टॉपिक आता है यही सार्क। तो सार्क का सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सार्क देखिए हम दक्षिण एशिया का बात कर रहे हैं ना, तो दक्षिण को साउथ बोलते हैं, और एशिया तो साउथ एशिया, याद रहेगा साउथ एशिया, एशिया। एशो से फिर क्या होगा, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यही होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है।
याद रहेगा। इसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी एशिया। क्या बोलते हैं? दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन। संगठन तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और यही दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन को यदि शॉर्ट कट में लिखें तो इसका क्या होगा? दक्षेस। क्या होगा? दक्षेस। तो साठ बोले या दक्षेस बोले, बात क्या है? बराबर है ना। तो ये ग्रुप है, क्या है? ग्रुप। वर्तमान में इस ग्रुप में आठ देश है। कितना देश है? आठ देशों का एक ग्रुप है। तो ग्रुप का नाम रखेंगे ना, तो नाम क्या है? यही साल। क्या है? साल। क्या बोले हिंदी में? दक्षेस। याद रहेगा। इसका जो स्थापना हो रहा है, इसका स्थापना 8 दिसंबर कब हो रहा है? 8 दिसंबर 1985 को हो रहा है। और कहां पर हो रहा है? तो इसका स्थापना हो रहा है ढाका में हो रहा है। कहां हो रहा है? और ढाका किसकी राजधानी? बांग्लादेश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो कहां? ढाका में। ढाका में। और ढाका कहां है? बांग्लादेश। याद रहेगा है ना। तो इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हो रहा है। और कहाँ है ढाका? बांग्लादेश में है। तो पहला सम्मेलन भी कहाँ होगा? ढाका में होगा। कहाँ होगा? ढाका में होगा। अब यहाँ से यहीं से याद रखना है आपको कौन कौन इसका सदस्य है। ये अपना है भारत है ना। भारत किधर आता है? कौन सा एशिया में आता है? दक्षिण एशिया का सदस्य है। कोई दिक्कत? तो ये अपना भारत देखें। भारत यहीं पर आपका कौन है? पाकिस्तान। ये कौन है? पाकिस्तान। याद रहेगा। यहीं पर है आपका कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। यहीं पर आपका कौन है? ये नेपाल। नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। यही आपका कौन है? भूटान। कौन है? भूटान। और यहीं पर है आपका कौन है? ये बांग्लादेश। बंगला देश। और यहीं पर आपका है कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका। और यहीं पर है आपका छोटा सा है कौन है? मालदीव। मालदीव। याद रहेगा। यही इसका एक दो, ये अपना कौन है? भारत। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यही आठ देश का क्या है? सदस्य। तो ये अपना पड़ोसियों है। म्यांमार एक नहीं आता है और एक चाइना नहीं आता है ना। म्यांमार आपका साउथ ईस्ट एशिया में आता है। किसमें आता है? साउथ ईस्ट एशिया। कोई दिक्कत? तो इसमें कितना सदस्य है? आठ सदस्य। तो वर्तमान में कुल आठ सदस्य है। वर्तमान में कुल सदस्य कितना है? आठ सदस्य। यानी अभी इस ग्रुप में कितना मेंबर है? आठ मेंबर है। और कौन कौन है? तो पहला याद रखना है कौन है? भारत। भारत। दूसरा याद रखना है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। नेपाल। फिर कौन है? नेपाल। नेपाल। फिर कौन है? भूटान। भूटान। फिर कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। श्रीलंका। श्रीलंका। लंका। उसके बाद याद रहेगा। तो याद रखना है भारत ये क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया का यानी साउथ एशिया इस ग्रुप का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। ऐसे भी दिखने में लग रहा है सबसे बड़ा कौन है? भारत। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश याद रहेगा कौन है? भारत। याद रहेगा। फिर याद रखना है इसका एक याद रखना है आपको, कहा किसको याद रखना है? सबसे नया सदस्य, यानी ग्रुप में जो सबसे पहले अफगानिस्तान शामिल नहीं था, अब अफगानिस्तान बाद में जाके शामिल हुआ, तो सबसे नया कौन सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। तो सबसे अंतिम में शामिल होने वाला कौन है? सबसे नया सदस्य। न्यू मेंबर ऑफ सार्क, तो अफगानिस्तान इज अ न्यू मेंबर ऑफ सार्क।
याद रहेगा। और यहीं पर है आपका नेपाल, नेपाल में एक जगह है काठमांडू, इसकी राजधानी, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू में ही इसका मुख्यालय बना है। मुख्यालय का मतलब हेड ब्रांच, हेड क्वार्टर, है ना। तो हेड ब्रांच हम एक तरह से बोल सकते हैं। तो जितना भी काम काज का जितना भी फाइल होगा सब सब कहाँ से रहेगा? सब नेपाल के काठमांडू में। तो बोल सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। इसका मुख्यालय काठमांडू। और काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल। नेपाल की राजधानी है। तो बोलेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। और पहला जो सम्मेलन हो रहा है यही हो रहा है बांग्लादेश का ढाका में ना, यहाँ पर लिखे हैं। तो पहला सम्मेलन इसकी इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका में। तो पहला सम्मेलन इसे लिखे, पहला सम्मेलन ढाका में हुआ। और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। याद रहेगा। आप समझिएगा यहीं पर, ये तो आपका न्यू मेंबर हो गया। कौन है? अफगानिस्तान, नेपाल, अब क्या हो गया? काठमांडू में इसका क्या है? इसका मुख्यालय है। फिर बांग्लादेश में इसका पहला सम्मेलन हुआ है और बांग्लादेश में इसका स्थापना हुआ है। कब स्थापना हुआ है? 8 दिसंबर 1885 को हुआ है। और इसी में हम लोग देखे थे कि इसमें कितना सदस्य? कुल 8 सदस्य। देखे है ना, आप देखेंगे ये पूरा ग्रुप बन गया। एक इसका सचिवालय बन गया। क्या बनेगा? सचिवालय। इसका सचिवालय का जो स्थापना होता है ना, सचिवालय का गठन, सार्क का सचिवालय का गठन, सार्क का सचिवालय का स्थापना, सचिवालय का स्थापना, इसका जो स्थापना हो रहा है ये हो रहा है कब? 2 साल बाद, 85 के बाद 87 में, है ना। ठीक है, यहाँ 1987 में कब हो रहा है? 16 जनवरी 1987 को सार का सचिव का सचिवालय का क्या हो रहा है? स्थापना हो रहा है। सचिवालय है तो अब यहाँ पर इसका सचिव महासचिव ही चुना जाएगा। तो याद रखना है इसका पहला महासचिव सार का प्रथम महासचिव कौन था? तो सार का प्रथम महासचिव जो था उसी का नाम था अहसन, है ना, अबुल अहसन। क्या नाम था? अबुल अहसन, याद रहेगा। और सचिवालय का जो महासचिव का जो कार्यकाल होता है, क्या होता है? कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष। याद रहेगा। तो बोलेगा दक्षेस का या सार्क का प्रथम महासचिव कौन था? अबुल अहसन। कहां का था? बांग्लादेश का था। कहां का था? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का, याद रहेगा। और महासचिव का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। यानी एक बार बनेगा तो 3 साल बाद क्या होगा? रिटायर होगा। तो वर्तमान में तो पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में कौन है? सार्क का वर्तमान में महासचिव, सार्क का वर्तमान में महासचिव, उसी का नाम है मोहम्मद गुलाम सरवर। गुलाम सरवर नाम भी अजीब है, सरवर, सरवर डाउन हो गया है ना। तो मोहम्मद गुलाम सरवर अभी वर्तमान में है ना। तो ये भी कब है? वर्तमान में तो ये बांग्लादेश का है। कहाँ का है ये? बांग्लादेश। तो प्रथम सार का वर्तमान में महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर। तो भारत का भी तो बना होगा ना? भारत का अभी तक 2 बार बना है। कितना बार बना है? 2 बार। एक पहला बना था, पहला बना था कौन सा? किशोर कांत भार्गव। कौन था? पहला भारत का पहला महासचिव सार्क में, है ना, वो किशोर कांत भार्गव था। अब याद रखना है भारत का पहला पहला महासचिव, महासचिव सचिव कहाँ का? सार्क में ना, सार्क का। तो याद रखना ये कब? कौन है? किशोर कांत भार्गव। किशोर कांत भार्गव, किशोर कांत भार्गव। तो बोलेगा
भारत भारत का कौन ऐसा व्यक्ति है जो सार का पहला महासचिव बना है? किशोरकांत भार्गव, याद रहेगा। और दूसरा महासचिव जो बना है भारत का, श्रीकांत शर्मा, याद रहेगा। ये है आपका सार, सार से आपका टॉपिक क्या हो गया है? चलिए।